राजस्थान की नव निर्वाचित भजन लाल सरकार ने बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान राज्य के विकास व पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन के लिहाज से कई बड़े ऐलान किए। इसके तहत राजस्थान के 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान सरकार नई पर्यटन नीति भी लाने की तैयारी कर रही है, साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान था वो था खाटू श्याम जी को लेकर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि खाटू श्याम जी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि काशी विश्वनाथ के तर्ज पर ही खाटू श्याम कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। बता दें कि हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी का दर्शन करने आते हैं, ऐसे में मंदिर का विकास होने में उससे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ किले, मंदिर और कई ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें देखने देश विदेश से लोग आते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जोधपुर को विशेष बजट का आवंटन किया गया है। 12 शेरगढ़ अभ्यारण को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया है। जैसलमेर के खाबा फोर्ट में फॉसिल्स पार्क तैयार किया जाएगा, साथ ओपन रॉक म्यूजियम और सोलर पार्क भी बनेगा। चित्तौड़ दुर्ग पर लाइट एंड साउंड का उन्नयन कराया जाएगा। फलौदी के खीचन को एक टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित कराया जाएगा। वहीं भरतपुर के वैर के सफेद महल सहित भरतपुर के किले का जीर्णोद्धार होगा। मरम्मत कार्य कर जीर्णोद्धार की हुई घोषणा।